दूसरी एक्सरसाइज भी कवर करनी है आज हमें. आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. इट इज लोडिंग सर. सर अभी लोड हो गई. आ गई ना. आ गई सर. ओके. देखिएगा, हमने लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन किए थे. आज ये क्वेश्चन हमें जो करना है, 7th क्वेश्चन था ये. यस सर. हाँ ठीक है ना. देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट. यानी कि जो ये पी हमें यहां दे रखा है, दिस इज द मिड पॉइंट एंड डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी. यानी कि जो हमारे पास पॉइंट डी और ई है वो कहाँ पे दे रखे हैं, वो ए बी की सेम साइड की तरफ है, यानी फेसिंग द सेम साइड. नाउ अनदर थिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज एंगल बी ए डी, यानी कि दिस एंगल. मैं मार्क कर रहा हूं एंगल बी ए डी. बी ये रहा बी आपका, ए डी यानी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी ई. एंगल ए बी ई क्या कौन सा हो जाएगा, एंगल ए बी और ई, ई के बराबर. एंड एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए यानी कि दिस एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी. डी पी बी ये सब गिवन इंफॉर्मेशन है, फिगर दे ही रखी है. हमसे कहा गया है कि ट्रायंगल डी ए पी, पहले तो देखो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करिए. मैं इसको अलग अलग कलर से मार्क कर रहा हूं कि सो दैट आपको ट्रायंगल दिखे. देखिएगा जरा ध्यान से, ट्रायंगल कौन सी है, डी ए पी. मैं ये एक डी ए पी यानी दिस ट्रायंगल, इज दैट ओके. नजर आ रही है. यस सर. यानी कि मैंने ये रेड से मार्क किया है. अगर आपको अलग से देखना चाहते हो तो आई एम जस्ट मार्किंग विद रेड कलर. देखिएगा जरा ध्यान से. ये ट्रायंगल बन रही है, दिख रही है ना अलग से. एंड ट्रायंगल ई पी बी, अब ट्रायंगल ई पी बी तो आपको अलग से नजर आई जाएगी अगर उसके वर्टेक्स में करूं. यस सर. नजर आ रही है. तो ये दो देखो, मेन थिंग इज दैट यहाँ पे आपको ट्रायंगल देखनी आनी चाहिए, ठीक है ना. इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है. तो अब दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे तो देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया फिट बनता है. एक बार रुकिएगा जरा यार, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है. आई एम जस्ट शेयरिंग अगेन माई स्क्रीन. जस्ट वेट. Now the screen is available, beta? Yes, sir. Okay, now. देखिए जरा ध्यान से. Now, what is our task? हमें दो triangles को congruent prove करना है. पहले जो given information उसको लिख लीजिए. Given है हमें क्या? P is the midpoint of AB. दे रखा है AB? Yes, sir. This is the first information. और हमें दो एंगल भी इक्वल दे रखे हैं. एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये भी गिवन है, ठीक है. एंड एंगल ई पी ए इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी पी ए, डी पी बी सॉरी. अब हम एक एक करके प्रूव करते हैं. देखिए जरा ध्यान से. नाउ टू शो ट्रायंगल डी ए पी इज इक्वल टू ट्रायंगल सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी, ई बी बी, ठीक है. यार हमें जो एक एंगल दे रखे इनकी जरा हेल्प लीजिएगा. जरा ये देखिए एंगल ई पी ए, एंगल
EPA हमारा कौन से उसमें बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल EPA ये वाला एंगल है। अगर एक बात आइए इस एंगल में मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं, ये वाला, तो ये पूरा एंगल किसमें बनेगा आप खुद बताइएगा जरा, प्लीज यहां से ध्यान से देखिएगा, एंगल EPA किसके बराबर दे रखा है, एंगल DPB। देखो जरा ध्यान से ये चीज देखने वाली बेटे यहां पे, क्योंकि यहां पे मेन थिंग इज दैट ये इतना हाफ एंगल था और हमें बेसिकली रेड वाले ट्रायंगल में लेके आना, तो ये वाला आधा एंगल अगर ऐड कर दूं लेफ्ट हैंड साइड पे तो कौन सा एंगल बनेगा जरा बताना मुझे, और दोनों साइड ऐड कर देता हूं ये वाला एंगल। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस एंगल, दिस एंगल इज नथिंग बट DPE, दिस हाफ एंगल जो मैंने यहां मार्क किया है ये हल्का सा नजर आ रहा है, ये जो स्कीमेटिक कर रहा हूं DPE इज दैट। अगर इस एंगल को मैं ऐड कर दूं तो बेटा जरा दोनों तरफ ऐड कर देना एंगल क्या बनेगा, EPA में मैंने एंगल DPE दोनों तरफ ऐड कर दिया, प्लस एंगल DPE, तो अब मुझे बताओ जरा क्या बन गया बेटा ये एंगल। देखिए ये पूरा एंगल बन जाएगा, अगर इस एंगल को अगर आप देखेंगे दिस एंगल विल बिकम लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम DPA, पूरा एंगल बन जाएगा कंप्लीट DPA। यस सर, दिस ये बन जाएगा एंगल DPA इज इक्वल टू, और अब इसमें ये आधा एंगल इसमें भी ऐड हुआ है, ये एंगल क्या बन जाएगा इस एंगल के लिए, कैन यू टेल मी, इट विल बी EPB, इज दैट ओके, एंगल EPB इज दैट ओके। इसको अगर मैं अलग कलर से हाईलाइट करूं इन दोनों एंगल, देखिए हमने क्या किया था, ये हिस्सा ऐड किया था दिस पार्ट, ये पूरा एंगल क्या बन गया EPB, इज दैट ओके, क्लियर है यहां तक भाई? अब एक काम करेगा, एंगल आ गया हमारे पास एक, हमने क्या देखा के दोनों ट्रायंगल्स में हमने एक एक एंगल ये कोण लिया। अब एक बात है, कैन आई से दैट AP इज इक्वल टू BP, व्हाई बता सकते हो, बिकॉज़ P इज मिड पॉइंट, सर P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक? और एक और इंटरेस्टिंग चीज, एंगल BAD किसके बराबर दे रखा है, जरा देखो एंगल BAD किस किस ट्रायंगल का हिस्सा बन रहा है, सर ABE, एंगल BAD किसके बराबर, सर एंगल हमें दे रखा है BAD दे रखा है ना, सर ABE होएगा शायद, हैं सर ABE, हाँ ABE के बराबर दे रखा है ना, एंगल बी ए डी ये दे रखा है हमें एंगल ए बी ई के बराबर। अब बताओ जरा क्या बना भाई, ये गिवन है हमें, दिस इज गिवन, तो क्या कह सकता हूं दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट आ गई, ट्रायंगल डी ए पी इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB, बता सकते कौन सा क्राइटेरिया है सर, एंगल साइड एंगल, कौन सा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, बिल्कुल ठीक है। तो अब बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, जिसने नेक्स्ट पार्ट AD इज इक्वल टू BE आ जाएगा, बात क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लीजिए, मैं इसका थोड़ा सा साइड वो कम कर देता हूं, प्लीज ले लीजिए, टेकन टेकन सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसका एट क्वेश्चन है, इसके चार पार्ट है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल कहां पे दे रखा है, सी पे, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम हमारा मिड पॉइंट है यहां पर, एंड सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी, यानी कि सी को एम तक लेके गए
इसको ज्वाइन कर दिया, इसको डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, सच दैट। अब यहाँ पर भी कंडीशन है कि जो डीएम है वो किसके बराबर दे रखा है, सीएम के। तो एक बात बताइए जरा, डीएम सीएम के बराबर आ गया और एम मिड पॉइंट है, तो एएम भी बीएम के बराबर आएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। एम मिड पॉइंट ए बी का दे रखा है। एंड द बेस्ट सर? हां जी। नहीं नहीं तो सर ना, मम्मी को फोन चाहिए तो मैं क्लास शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एक सेकंड बाद मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। जल्दी करो यार। ओके सर। देखो जरा ध्यान से, कहता पॉइंट डी इज जॉइन टू बी। अब इस डी को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, बी से। कहता शो दैट ट्रायंगल एएमसी, पहले आराम से ट्रायंगल हाईलाइट कर रहा हूँ मैं अलग कलर से, उसके तीनों वर्टेक्स अलग अलग तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ। AMC कौन सी बनेगी ट्रायंगल? ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ये तीनों साइड दिख रही है भाई, AMC रेड कलर से मार्क कर लिए। यस सर। कहता है वी हैव टू प्रूव दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। BMD कौन सी हो जाएगी? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दिख रही है आमने सामने वाली ट्रायंगल दोनों? प्लीज टेल मी। यस सर, दिख रही है। तो अब पहले पहला पार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट पे फोकस करेंगे। देखिए जरा, जो गिवन है वो तो मैं लिख देता हूँ। एंगल सी हमें क्या दे रखा, 90 डिग्री है। एक राइट एंगल सी दे रखा ना बेटा, और एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, दूसरी बात, डीएम इक्वल टू सीएम दे रखा है। तो दोनों ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल एएमसी, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी। आराम से बात समझिएगा जरा ध्यान से। एएम इक्वल टू बीएम कह सकता हूं क्यों? यस सर, बिकॉज मीटिंग से ले लो बेटा। क्या बात है यार, जल्दी बोलो। सर मैं को एन ले लो, दूसरी मैं आईडी से आया हूं। यार यार ये चीज ना थोड़ा सा अवॉइड किया करो वाइल क्लास, क्योंकि ना बड़ा मुश्किल होता है। ओके सर। देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से। ए ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। नाउ अब एक और चीज बताइए, क्या ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, कह सकता हूं जो मैंने मार्क किए हैं? प्लीज टेल मी। एंगल सी एम ए, मैं यही लिख रहा हूं आपके यहीं सामने, एंगल सी एम ए इज इक्वल टू एंगल डी एम बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख सकता हूं? प्लीज टेल मी सर। एंड सी एम इक्वल टू डी एम, ये गिवन है। अब एक बात आइएगा, कैन आई से दैट ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी, कैन यू टेल मी द क्राइटेरिया? भाई ये दो इक्वल साइड्स के बीच में एक एंगल इंक्लूड नहीं होगा, तो साइड एंगल साइड हो गया। इज दैट ओके? ओके, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ओके, सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया कि एंगल डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करना है। दिस एंगल वी हैव टू प्रूव दैट इट इज राइट एंगल टू शो इन द सेकंड पार्ट। जरा आराम से देखिएगा, एंगल डीबीसी इज इक्वल 90 डिग्री। एक चीज बताइएगा जरा मुझे ध्यान से, सिंस ट्रायंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी, तो बाय सीपीसीडी, जरा ध्यान से देखिएगा, बाय सीपीसीडी कैन आई से दैट दिस एंगल डी दैट आई एम मार्किंग हियर इज इक्वल टू दिस एंगल सी, कह सकता हूं बाय सीपीसीडी? प्लीज टेल मी। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ
corresponding part of congruent angle, ठीक है? हाँ जी, that is angle ACM is equal to, ध्यान से देख लीजिएगा, angle ACM is equal to angle BDM. लेकिन अगर देखा जाए तो ये एंगल कैसे हैं? These angles are, can you tell me? Alternate interior angle हो गई ये. अगर alternate interior angle equal हो जाते हैं, तो आप बताइए, तो हम कह सकते हैं कि जो DB है, AC must be parallel to BD. Yes sir. ये बात कोई दिक्कत? Parallel होंगे दोनों. Parallel होगी? यानी कि AC जो line है, वो parallel हमने दिखा दी DB के. तो अब एक interesting चीज समझिएगा. आपने पढ़ा था, interior angle, sum of the interior angle on the same side is what we call 180 degree होता था. तो can I say that? Please आराम से समझिएगा. Angle ACB, ये angle is ACB and angle DBC, इन दोनों का sum 180 degree होगा. Angle ACB plus angle DBC is 180 degree. आप इसको क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स. इज दैट ओके? अब एक बात आइए जरा ध्यान से, एंगल एसीबी तो ऑलरेडी 90 डिग्री है. क्वेश्चन में गिवन आना है ये. यस सर. तो दिस विल इंप्लाई एंगल डीबीसी कितना आ गया सर? 90 डिग्री. यही प्रूव करना था. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से. कोई दिक्कत? समझ में आया? जो डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला है, एक बार वापस समझा दो. देखो, हमने जब पहले ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव कर ली थी ना, तो हमने क्या किया कि ये जो एंगल हमने यहाँ दिखाया एंगल डी, हमने एंगल सी के बराबर दिखाने से क्या फायदा हो गया कि ये अल्टरनेट एंगल है. अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, दीज आर नथिंग बट अल्टरनेट एंगल, है ना? अल्टरनेट एंगल. हाँ जी सर. अरे लेकिन वो अल्टरनेट एंगल तो बाद में, हमने पहले वो सीपीसीटी से प्रूव किया ना इक्वल. हमने क्या किया कि ये जो एंगल है, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट थी, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखा लिया बाय सीपीसीटी. ये लिखा ना मैंने बाय सीपीसीटी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और आप जानते हैं, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल सर, दोनों साइड पैरेलल. तो ये पैरेलल होगी. अब ये पैरेलल होगी, तो हमने क्या देखा, अगर इन दोनों लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूं, पैरेलल लाइन है, तो ये जो लाइन है BC, इट बिहेव्स लाइक ट्रांसवर्सल. हाँ जी, तो ये जो एंगल आएंगे, दिस एंगल and this angle, these are the same side, the angle of the same side of the transversal, तो उनका interior angles का sum कितना होता है? 180 degree होता है. 180 degree. अब हमने जब ये sum किया, तो इसमें से already angle ACB कितना था? 90 degree था. तो वो उसमें से subtract कर देंगे, तो 90 degree आएगा. Is that okay now? Clear है? Yes sir. Now the next part में, ये third part में क्या चाह रहा है? कि triangle DBC, यानी कि अगर मैं इसको थर्ड पार्ट की चर्चा करूं, एंगल सॉरी ट्रायंगल डीबीसी, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी, यानी कि ये, इज दैट ओके? इन द थर्ड पार्ट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. जरा आराम से देखना भाई, एक चीज तो आप खुद देखिएगा, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. और ये भी कितना है? 90 डिग्री. ये दोनों एंगल तो इक्वल आ गए. यस सर. अभी भी प्रूव किए हैं. तो मतलब अगर मैं कहूं कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC बहुत आर 90 डिग्री प्रूव ऑलरेडी.
कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके, अब एक बात आइए जरा, दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन भी है, BC इज इक्वल टू CB कॉमन साइड है, इज दैट ओके? एनी प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। ओके, एक और चीज देखिए जरा ध्यान से, अगर हम यहां पे देखें DB किसके बराबर है? DB सर AC। DB इज इक्वल टू AC, क्यों है इक्वल? बाय CPCT सर, बाय CPCT, क्योंकि हमने पुराने उसमें किया था, DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। तो आप बताइए क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? बाय SAS DB इज इक्वल टू AC, ये इसके बराबर आ गया, ये कॉमन साइड आ गया, और इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB साइड एंगल साइड, इज दैट ओके? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन टेकन सर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो यार, देखिए जरा फोर्थ पार्ट, अगर आप यहाँ फोर्थ पार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का, तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, CM इज हाफ ऑफ AB, जो CM है वो AB का हाफ दिखाना है। अच्छा एक बात आई जरा ध्यान से, DC इज इक्वल टू AB, बताओ क्यों है? DC AB के बराबर क्यों? बाय CPCT सर, बाय CPCT होगा, हो गया ना? कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ जरा, DM प्लस CM, DM प्लस CM को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताओगे जरा? सर DC, DC और DC किसके बराबर आ गया? ये सारा AB के बराबर आ गया, इज दैट ओके? सर AB क्लियर है यहाँ तक? अब एक और चीज, अब एक और चीज बताओ बेटा, DM किसके बराबर था? CM के, दे रखा है ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन, तो 2 टाइम्स ऑफ CM इज इक्वल टू AB, तो CM किसके बराबर आ गया बेटा? हाफ ऑफ AB, इज दैट ओके? हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था? यस सर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ये एक नहीं चार क्वेश्चन थे, अगर आप ध्यान से देखे तो। क्लियर है बेटा? यस सर। देखिए जरा, अब एक्सरसाइज 7.2 पे आ रहे हैं, देखिए ये 7.2 का पहला क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी, पहले चलो ट्रायंगल एबीसी बना ले, एबीसी एबी इज इक्वल टू एसी, एबी एसी बराबर देखा, ठीक है बेटा? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि इसका बाइसेक्टर ये आ गया बी का, और सी का बाइसेक्टर ये आ गया, ये एक मिनट लिखिएगा, ये एंगल सी का बाइसेक्टर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, दे आर इंटरसेक्ट एट ओ, क्लियर बेटा? ये इनके दोनों के बाइसेक्टर हमने खींचे, कहता है ज्वाइन ए टू ओ, ए को भी ओ से ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, ये फिगर बन गई, ठीक है, दिख रही फिगर अब?
तो अब ये क्या कह रहा है कि शो दैट OB इज इक्वल टू OC. चलो पहले जो गिवन है उससे काम चलाते हैं. हमें क्या गिवन है? AB इक्वल टू AC दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है, ये गिवन है. और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ. क्लियर है ये वाली बात? ये सब कुछ गिवन है हमें. यस सर. आप आराम से समझिएगा. सिंस इन ट्रायंगल एबीसी एंड व्हिच इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर AB इक्वल टू AC आएगा तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल नहीं आ जाएंगे, तो एंगल B किसके बराबर आएगा? एंगल C के बराबर आएगा. प्लीज टेल मी, क्या पढ़ा था थ्योरम? क्लियर है? हाँ जी. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके, तो यार अगर ये एंगल इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो हाफ से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक क्या है. व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, यार ये ओबी का बाइसेक्टर है तो इनके हाफ एंगल इक्वल है, तो यानी कि आई कैन से दैट दिस विल इंप्लाई, प्लीज ध्यान से देखिएगा प्लीज, इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम कंसीडरिंग एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी, एंगल बाइसेक्टर्स है ना? यस सर. अच्छा एक बात और जरा ध्यान से, अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ये OB इक्वल टू OC, कन्वर्स भी पढ़ा था थ्योरम का हमें, ये तो प्रूव करना था. दिस विल इंप्लाई OB इज इक्वल टू OC. रीजनिंग क्या दोगे? Sides opposite to the equal angles are equal. Sides opposite to the equal angles are equal. Is that okay? Please tell me. कोई doubt भाई? No sir. तो इसका screenshot ले लो, ये पहला part हो गया तुम्हारा. कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट एंगल A. तो बेटा क्या ट्रिक रहेगी आप बताओ मेरा. अगर मुझे ये प्रूव करना है कि AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो यार एक बात आएगा, मैं कॉन्ग्रेंट दिखाऊंगा ट्रायंगल, लेकिन कौन सी ट्रायंगल लूंगा जरा ध्यान से देखना. अगर मैं ट्रायंगल आराम से देखना, ए ओ बी ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा बाइसिपिसिटी. प्लीज टेल मी. यस सर. सो आई एम कंसीडरिंग इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल AOC. Is that okay बेटा? आराम से देखिएगा. AB equal to AC तो given ही है. Given है ये? हाँ जी. Yes sir. देखिए यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि triangle visualize करना बहुत मुश्किल है. दूसरी चीज AO equal to AO common side आ गई. कोई दिक्कत? No sir. और OB equal to OC हमने प्रूव किया था रूट अर्लियर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आएगी साइड 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 से, कह सकता हूँ साइड एंगल साइड नहीं साइड साइड साइड. ट्रायंगल AOB is congruent to ट्रायंगल AOC by साइड साइड साइड. तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? दिस विल इंप्लाई एंगल BAO is equal to angle CAO by
CPCT. So this will imply AO bisect angle A. हो गया प्रूफ? प्लीज प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. क्लियर है भाई? यस सर. चलिए, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ले लिया सर. देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा. सेकेंड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हो पाएगा भाई, आज से टाइम खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा हमने टाइम ज्यादा ले लिया. देखिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ऊपर वाला पिछले पार्ट है, ये आप यहां से कैंसिल कर दीजिएगा. एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी. एडी क्या है, मैं गिवन लिख रहा हूँ सीधा सीधा, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, इज दैट ओके? हमें क्या प्रूव करना है? एबी इक्वल टू एसी, एबी इक्वल टू एसी. तो इसका तो सिंपल तरीका, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, ट्रायंगल एडीबी और एडीसी को. तो ट्रायंगल एडीबी एंड इन ट्रायंगल एडीसी, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज. एडी इक्वल टू एडी, कॉमन साइड हो गया, क्लियर है? अब एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, बताओ क्यों? क्यों दोनों 90 डिग्री हैं सर? दोनों 90 डिग्री. अब दूसरी बात, बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों है? क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ बी सी, इज दैट ओके? यस सर. तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई. हाँ जी, दिस विल इंप्लाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी साइड एंगल साइड. तो दिस विल इंप्लाई एबी इक्वल टू एसी बाय सीपीसीटी. तो एक तरीके से कौन सी ट्रायंगल बन गई? आइसोसेलस ट्रायंगल बन गई, बन गई ना भाई. अगर ए बी इक्वल टू ए सी कर दिया तो कौन सी ट्रायंगल होगी? आइसोसेलस ट्रायंगल होगी. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इज दैट ओके? यस सर. इस एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इसको लेंगे, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली शायद इस बार संडे क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है? ओके सर. ओके ओके, चलो ओके. थैंक यू सर. ओके बेटा.